हेलो दोस्तों, बांग्ला स्टार चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए कुछ खास अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इस वेबसाइट में थोड़ा सा वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का जो प्रोसेस था थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो कि मेरे को जो बहुत सारे व्यूवर्स ने कॉमेंट कर रहे कि वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का जो ऑप्शन था तो वो यहाँ से ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो इसको आपको कैसे ढूंढ के निकालना है तो इस वीडियो में हम आप लोग को पूरा के पूरा बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो इस तरह से बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस साइड में। देखिए आने के बाद इस लिंक पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आपको कहीं पर भी आपका जो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए तीन लाइन है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस तीन लाइन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको एक सर्विस दिखाई देगा। देखिए इस तरह से इस पेज में देखिए इलेक्टोरल रोल, तो इस पेज साइज इसमें आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से पेज आपका सामने जो है खुल के तो आ जाएगा। तो यहाँ तो ये आपका वोटर लिस्ट जो है, आपका जो वोटर लिस्ट जो डाउनलोड करने का ऑप्शन है तो यहाँ से आपको वोटर लिस्ट यहाँ से इस तरह से डाउनलोड करना है। तो चलिए इस लिंक में आप लोग को क्लिक करना। तो चलिए हम इस लिंक में क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे इस लिंक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे राज्य का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए मेरा जो वेस्ट बंगाल है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिया। तो चलिए हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिया। देखिए तो देखिए हमारा वर्धमान है तो पूर्व वर्धमान है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है हमारा जो थाने का नाम है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो देखिए हमारा थाने का नाम यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं और ढूंढ के यहाँ पे हमारा थाने का नाम जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे हमारा थाने का नाम ढूंढ लेते हैं। कौन से हमारा थाने का नाम यहाँ पे देखिए नीचे में थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हमको मिल गया हमारा जो थाने का नाम है। देखिए 270 कटवा है तो यहाँ पर हम इसको चूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम इसमें क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पोलिंग स्टेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए आपको लेकर चला जाएगा। तो कि हमें जो हमारा जो वोट यहाँ पे देखिए पोलिंग जो स्टेशन है मतलब हम जहाँ पे वोट देने जाते हैं चाहे स्कूल हो चाहे कुछ कॉलेज भी हो तो यहाँ से आप इसका नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो आपका जो यहाँ पे ढूंढ लीजिए आपका जो नाम है तो इस तरह से आप ढूंढ के तो आप यहाँ पे आपको आपका जो PDF है तो यहाँ पे आप इसको खोल के देख सकते हैं। जो आपका जो वोटर लिस्ट यहाँ पे आप ढूंढ को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो तो उसका नाम आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद देखिए इसका साइड में तो एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको डाउनलोड करने ओपन करने का लिंक यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। देखिए इस तरह से आप माउस को कहीं पे भी लेके जाइए तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसको ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखिए सबसे पहले आपको दाएं तरफ देखिए यहाँ पे ड्रॉप रोल तो देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है ड्रॉप रोल। तो यहाँ पे आपको माउस को लेकर जाना है। तो यहाँ पे लेकर जाने के बाद आप तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप रोल में लेकर जाके आपको क्या करना है क्लिक करना। तो चलिए हम इस ड्रॉप रोल में इसमें आप क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। जैसे आप इस ड्रॉप रोल पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ साथ देखिए आपको क्या बताएगा। तो चलिए हम इसमें आपको क्लिक करके बता देते हैं। तो चलिए हम ड्रॉप रोल पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक कैप्चर मांगेगा। तो जो है एक कैप्चर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में तो उस कैप्चर को आपको इस बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए हम इस कैप्चर को यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे आप इस कैप्चर को यहाँ पे डाल देंगे तो चलिए हम इस कैप्चर को यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारा कैप्चर यहाँ पे हम डाल देते हैं। डालने के बाद देखिए यहाँ पर हम उसको वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए हम इस कैप्चर को यहाँ पर डाल लेते हैं पहले। तो देखिए हम कैप्चर यहाँ पर पूरा के पूरा डाल दिया। आप डालने के बाद देखिए यहाँ पर हम वेरीफाई में क्लिक कर देंगे। जैसे हम वेरीफाई में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो PDF है तो यहाँ पे PDF फाइल आपका जो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो PDF फाइल है यहाँ पे देखिए ऑफ़लाइन हो रहा है थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका PDF फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो चलिए हमारा PDF फाइल देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो नेट की स्लो की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा देर हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा PDF फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस PDF फाइल को आप बड़ी आसानी से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंट आउट कर लीजिए और देख लीजिए आपका नए जो 2019 में जो आपका नाम है तो नए लिस्ट का नाम जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा।
तो इस तरह से आप लोग वोटर लिस्ट इस तरह से आप यहाँ पे से ढूंढ सकते हो। तो थोड़ा सा नेट की वजह नेट स्लो की वजह से देखिए यहाँ से हमारा पीडीएफ थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे पीडीएफ फाइल है, तो इस तरह से थोड़ा सा डाउनलोडिंग में थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है जो हमारा पीडीएफ फाइल है। यहाँ पर देखिए सारे पेज यहाँ पे ओपन हो गया, तो ये बहुत सारे पेज होता है इसलिए थोड़ा सा लेट है। तो देखिए इस तरह से पेज आपका जो वोटर लिस्ट है तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो नाम है यहाँ पे आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो कि लिक्विकेशन, लेकिन यहाँ से क्या होता है आपको फ़ोटो जो है यहाँ पे शो नहीं होता है, क्योंकि आपका फ़ोटो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। आपको फ़ोटो देखने के लिए यहाँ पे परमिशन आपका नहीं है। तो फ़ोटो के लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी आपका एरिया में जो भी चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे आपका पौरसभा म्यूनसिपालिटी ऑफिस हो, तो यहाँ से जाके आपका जो फ़ोटो वाला लिस्ट आप वहाँ से मंगवा सकती हो। तो इस तरह से आप लोग भरी आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, और कुछ भी समस्या हो तो हमको कमेंट करके पूछ लीजिए। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।